ये कहानी है एक कुंवारे की जिसके 99 रिश्ते रिजेक्ट हो गए, वो भी इसकी एक बुरी आदत की वजह से। वो आदत जरा आप खुद देख लें। क्या हुआ, किसकी कॉल है? अबे घर से कॉल है यार, वो बहन की लोड़ी। मैं तेरी बहन है, वो मेरी बहन है। मैं क्या करूँ यार, मजबूर हूँ मैं, क्या करूँ पता, क्या करूँ मैं। अबे पता नहीं कैसी आदत है यार ये तेरी, कहीं तुझे रिश्ते के लिए लेके जाओ, वहाँ कोई बहन बोले तो तू की लोड़ी लगा देता है, कोई माँ बोले तो तू की लोड़ी लगा देता है। ये कैसी आदत है तेरी, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? नहीं यार, घर में माँ बहन नहीं है, कहीं गए हैं, घर खाली है, कोई है तो ले आओ। देख इसको भैंसो, तेरी यही आदत की वजह से तू जिंदगी भर कुंवारा मरेगा, कोई नहीं करेगा तेरे से भैंसो शादी। अबे यार ये आदत कैसे खत्म करूँ यार, नहीं छूटी यार, तेरी कौन मुझसे शादी करेगा और कौन कराएगा मेरी शादी यार। मैं करवाऊंगा तेरी शादी। पर दे मदद गरीब की। क्यों, तेरी खाला कुंवारी है क्या? मैं नहीं करवा रहा तेरी शादी। चुप, रुक जा। अबे तेरे तो फिर 99 रिश्ते रिजेक्ट हो गए, एक के तो 105 हो गए थे, फिर वो मेरे पास आया, मैंने करवाई है उसकी शादी, बहुत मुश्किलों से मैंने करवा दी। वो तो खुशी से मेरे को 10,000 रुपए दे रहा था, मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं चाहिए पैसे, मैंने बोला खुददार आदमी हूँ मैं, मैंने नहीं लिए उससे पैसे। तूने क्या लिया उनसे? दम्मा लिया मैंने उनसे। मैं नहीं दूंगा दम्मा वम्मा। अरे नहीं, तेरे से मेरे को नहीं चाहिए दम्मा, तेरे से मेरे को चाहिए पैसे चाहिए यार, मेरे को मेरे मुझे शदीद 20,000 रुपए की शदीद जरूरत है। तू एक काम कर, तू मेरी शादी करा दे, मैं तुझे 20,000 देने के लिए तैयार हूँ यार। बस समझो तुम्हारी शादी हो गई, बस पैसे तैयार रखियो यार 20,000 रुपए की, और कल तैयार रहना, जाना है एक जगह लड़की देखने, तैयार रहना तुम लोग, ठीक है? लेकिन ब्रोकर साहब इसकी आदत का क्या करें? वो बंदा तेरी गांड में डंडा देके घर के जाले साफ कराए, मैं संभाल लूंगा ना, बोल दिया ना मैं कर लूंगा, बस कल तुम तैयार रहना। अब मेरी भी शादी होगी, अब मैं भी हत्तियों से आजाद हो गया, अब मैं भी टांगे उठाऊंगा। हाँ ब्रोकर साहब, ये घर है ना लड़की वालों का घर ये, अबे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत खानदानी लोग हैं, एक दफा तेरा रिश्ता हो जाए ना तो जिंदगी में दुआएं देगा मेरे को, तू बोलेगा एक ब्रोकर मिला था जिसने मेरी शादी करवाई है, दुआएं देगा तू मेरे को? रिश्ता तो हो जाएगा ना मेरा पक्का, मैं करवा दूंगा ना, जब बोल दिया मैंने तो करवा, तू पैसे लाया है ना? हाँ, पैसे जेब में, बस रिश्ता हो जाए फिर पैसे लूंगा, वैसे नहीं लूंगा मैं। हाँ बैल बजाएं ब्रोकर साहब, मेरे दोस्त की शादी करवानी है। अभी हाँ मैं बैल बजा के बुलाता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, एक दफा तेरा यहाँ रिश्ता हो जाए ना तो खुश रहेगा बे, इनकी औरतों को मैंने आज तक बाहर नहीं देखा, ऐसे लोग हैं ये, हाँ बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे। दोबारा बेल दबाए ना, कोई आए नहीं। मैं बुझा, एक दफा हो जाए ना तो खुश रहेगा जिंदगी में, बहुत अच्छे लोग हैं, इखलाक के बहुत अच्छे हैं ये लोग। अबे कौन भोसड़ी का बार बार बेल बजा रहा है? तू तो बोल रहा है इखलाक के बहुत अच्छे लोग हैं ये, तू तो बोला तो इज्जतदार है, कोई और आया होगा इनके घर पे इस वजह से ये, वरना बहुत अच्छे लोग हैं, कोई और आया होगा यार। वो लड़के वाले हम रिश्ते के लिए बात की थी ना। कौन है बे? अच्छा अच्छा, रिश्ते के लिए? हाँ वो रिश्ते के लिए मैंने बात की थी ना ब्रोकर। आ जा आ जा आ जा, चलो अभी सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, बाद में इनकी लड़की पे चढ़ेगा है, चलो आज आज। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग गेम खेलकर बहुत सारे पैसे कमाएं तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लाया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो गेम खेलकर। उस प्लेटफॉर्म का नाम है B9 Games, जिसमें बहुत सारी गेम्स हैं जैसे एविएटर, माइंस, इस तरह की बड़ी गेम्स खेलकर आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। और मेरी जो फेवरेट गेम है वो एविएटर, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बड़ा मौका अपने हाथ से जाया मत करो, प्लेन उड़ने से पहले पहले जीत तुम्हारे हाथ में। और भाई आप अपने दोस्तों को इनवाइट करके भी पैसे कमा सकते हो, जिसमें आप आराम से इजी पैसा जैसकेट बैंक अकाउंट किसी में भी आप विड्रॉ डिपॉजिट करवा सकते हैं भाई। और भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाओ साइन अप करो और बहुत सारा बोनस पाओ। और भाई मैंने बहुत सारे पैसे कमाए यहीं से, तो ये एक लीगल प्लेटफॉर्म है, तो टेंशन नहीं।
नहीं लेनी, फटाफट ये काम करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चले चले उस कमरे में चले, बराबर वाले में, यहाँ सो रही है बहन की लोड़ी। लाहौरी थोड़ी है ये लोग, तेरे को बोला था लाहौरी थोड़ी है, लाहौरी समझ रहा था, ये कराची में पैदा हुए हैं, यहीं के उस वाले रूम में चलते हैं। चलो चलो यार उस वाले रूम में बैठ जा, बैठ 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 जा, बैठ जा, बस एक दफा तेरा रिश्ता हो जाए ना यहाँ पे, तेरी जिंदगी सेट हो जाएगी, जिंदगी इसकी सेट हो जाएगी यहाँ। और आप लोग सब खैरियत से है ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, और वो आपके अब्बू नजर नहीं आ रहे यार? वो अब्बू, हाँ लिखे बिरयानी वाले का नंबर लिखे। अबे वो गांड की लकी, अब्बा ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ, बस वो थोड़ा सुनते जरा कम है, वो अलग बात है, बोलो कुछ और सुनते कुछ और है, बाकी हमारे घर के सारे फैसले हमारे अब्बा करते हैं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप एक काम करें, आप उनको बुला लें, हम बात कर लेते हैं उनसे। हाँ हाँ बुला के लाता हूँ, लेकिन हाँ पहले ही बता दूँ, वो सुनते जरा कम है। हाँ तो कोई बात नहीं, ठीक है मैं बुला के ला रहा हूँ, बुला लें आप। भाई ये डकैत नहीं है, यही तो है दूल्हा। क्या बोला? यही तो है दूल्हा। किसका लुल्ला? लुल्ला बोल रहा है तेरे को? लुल्ला नहीं अब्बा, दूल्हा दूल्हा दूल्हा। ये दूल्हा हमारी बेटी तो फिर भी कुंवारी है, मैं लिख के देता हूँ, किसी बेवा ने भी शादी कर ली तो यहाँ गोली मार देना। बेटा जरा इधर आओ। वापिस जाओ। नहीं बेटा उधर नहीं, वापिस घर जाओ। अंकल जी देखें चेहरे में कुछ नहीं रखा, असल बात इंसान के अखलाक की होती है, दिल की होती है, और हमारे दूल्हे का दिल बहुत बड़ा है। दूल्हे का क्या बड़ा? दिल अंकल जी, दिल, इनको बताएं, दिल बहुत बड़ा है दूल्हे का। वो दिल की बात हो रही है, दिल 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 अंकल दिल, दिल। अच्छा बिल, हाँ इस महीने बहुत ज्यादा बिल है बेटा, पंखा। हाँ यार गर्मी बहुत लग रही है, काम कर थोड़ा तेज कर दे। अबे अब्बा बंद करने का बोल रहे हैं। मैं नहीं करवा रहा, बार बार मार रहे हैं मेरे को, मेरी गलती थोड़ी है यार, मेरी गलती थोड़ी है। मुझे तो लगता है इसकी साउंड ऐसी खराब है, बेस का पूरा बॉडी चेंज होगा। हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है। अच्छा बेटा ये कौन है? अंकल ये दूल्हे का दोस्त शकील। शकील है वकील, शकल से ही आराम खोर लग रहा है। शकील बताओ यार, शकील वकील नहीं है, शकील है ये। अब्बा वकील नहीं, शकील शकील शकील। अच्छा जलील, अच्छा ये बताएं लड़की की अम्मा नजर नहीं आ रही? वो इस दुनिया में नहीं है, एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। आई मिस यू माँ। की लोड़ी 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 की थोड़ी बेटा यार, जो दुनिया से चला जाता है वापस थोड़ी लौटता है यार। नहीं जाने के बाद कोई नहीं लौटता, बेचारा जो है ना बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं लौटेंगे। ब्रोकर साहब दूल्हे के माँ बाप साथ नहीं है। ब्रोकर साहब क्या बताएंगे, मैं ही बताता हूँ। जब मैं 22 साल का था ना, तो इसके साथ एक हादसा हो गया था, तो वो मुझे आज भी याद है।
और वो चीखे मुझे आज तक याद है। कैसी चीखे? नहीं यार बस रहने दे। ब्रोकर साहब लड़का काम क्या करता है बता दूं? हत्ती बहुत लगाता है। क्या हत्ती? क्या हत्ती? नहीं हाथी, हाथी चलाता है, जू में काम करता है। चोर हाथी ट्रांसपोर्ट में कब से आ गया? नहीं नहीं वो हाथी ऊपर बैठ के चलाते हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट चलाना ट्रांसपोर्ट का काम है इसका। हाँ लेकिन अब नौकरी छोड़ दी, पहले करता था ये, अब नहीं करता, अब ये कुछ और करता। कुछ और? लड़के का बिजनेस है कोई? बिजनेस कोई एक हो तो आपको बताए ना हम। तो कितने सारे बिजनेस है? कोई एक भी हो तो बताए। खैर अंकल जी देखें मैं बात साफ करूंगा, आप बहुत अच्छे लोग हो, मैं चाहता हूं कि आपकी लड़की का हाथ जो है हमारे लड़के को दिया जाए। ब्रोकर साहब हम तो लड़की का हाथ नहीं देंगे, हम तो पूरी लड़की दे देंगे। अच्छा ये बताएं आपकी लड़की कितनी पढ़ी लिखी है? वो मेरी बहन की लोड़ी की लौकी की सब्जी बहुत अच्छे से बनाती है, मैंने बताया था ना, बहुत अच्छे से लौकी की सब्जी बनाती है वो। बहुत पसंद है लौकी की सब्जी। ब्रोकर साहब लड़का नशे तो नहीं करता ना? नहीं नहीं हमारा लड़का कहाँ नशे करता है, उसने नशे आज तक उसने सिगरेट तक को हाथ नहीं लगाया, चाहे इसके होंठ देख लो। होटो में क्या रखा है? होटो में तो कुछ नहीं रखा, हमारा लड़का जो है आज तक किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं है इसने। हाँ छमिया क्या रेट चल रहे? हाँ हाँ 500 दे दियो तू, आजा। अबे दिए 500? आजा पहले तेरी बारी फिर मेरी बारी। चल चलेगा आजा। आज तक नहीं देखा किसी लड़की की तरफ। आप लोग इतने देर से बैठे हो, आपसे चाय का पूछा ही नहीं, चाय पियेंगे आप? अबू चाय नहीं बन सकती क्योंकि खत्म हो गया दूध। दूल्हे की माँ की सी। फिर एक काम करो कुछ मीठा बना दो, ऊपर डाल दो थोड़ा सा खोपरा। दूल्हे की माँ का भोसड़ा। अबू ब्रोकर साहब तू कहाँ ले आया? कहाँ करवाने दिया है इसकी शादी? क्या कैसे लोगे? इधर से भी सुनना पड़ी, उधर से भी सुनना पड़ी। अच्छा ये बताए आपकी वो जो सिस्टर है उसको खाना पकाना आता है ना? क्या कस्टर? अरे अब्बा कस्टर नहीं, सिस्टर सिस्टर मेरी बहन की लोड़ी। बचपन में चील उड़ी तो नहीं लेकिन टांगे उठी बहुत खेला है। ससुर जी बहुत नाटी है तेरे, बहुत नाटी है ससुर, इतना हरामी है सोचो रोटी कैसी। अच्छा ब्रोकर साहब आपने बताया नहीं कि लड़के का बिजनेस क्या है? अंकल जी दूल्हे का अपना बिजनेस है, बताया था ना मैंने आपको। हेलो क्या एक पेटी का नुकसान हो गया? अमीर लोग हैं लाख को पेटी बोलते हैं लोग। टमाटर की पेटी का? हेलो क्या वो अभी तक खोका पहुंचाया नहीं? अंकल जी अमीर लोग हैं करोड़ को खोका बोलते हैं ये। अबे वो होटल के पास लगा दे पान का खोका यार। हेलो हाँ काजी साहब मुझे पता है दिहाड़ी है लेकिन मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ दूल्हा भी यही मैं बात कर रहा हूँ, जिससे होता है मैं आपको बुलाता हूँ। निकाह आपसे ही पढ़ लेंगे, बेफिक्र बेफिक्र बात चलनी। ब्रोकर साहब ये बताए लड़के का घर तो अपना है ना? हाँ अंकल जी लड़के का अपना बंगला है। क्या लड़का लंगड़ा? लड़के का अपना बंगला है, बंगला बताओ बंगला है अपना। वाह लंगड़ा नहीं बंगला, बंगला। वैसे बात है ब्रोकर साहब, हमने अपनी बहन को बहुत नाजों से पाला, सर आंखों पर बिठा के रखा उसको। बिठा के तो ये भी रखेगा, बस बिठाने की जगह थोड़ी अलग होगी। अंकल जी बस एक दफा आपकी बेटी की शादी हो जाए ना तो हम सब मिलकर जो ना आपकी बेटी को बहुत प्यार से पालेंगे। क्या तुम सब मिलकर मेरी बेटी को पालोगे?
नहीं नहीं अंकल जी, तौबा कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, हम प्यार से पालेंगे पालेंगे, बताओ उनको। अंकल जी बहुत कम सुनते हैं, हम बोलते कुछ हैं और ये सुनते कुछ हैं। आप लोगों ने कभी इलाज करवाया है इनका? बहुत जगह इलाज करवाया पर इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। मैं तो कहता हूँ इनको उल्टा लटका कर जो ना इनके गांड से फूंक मारो, हो सकता है दोनों कान खुल जाए। बाकी सब बहन का लड़ा ब्रो करे तू, बाप है मेरा वो। अच्छा ब्रोकर साहब, आपके लड़के की कोई खास बात? अंकल जी खास बात ये है, जगह अरेंज करा देता है और दमो भी नहीं मांगता है। नहीं नहीं मैडम, क्या किसको लिया है तेरा दोस्त है क्या? बोले तेरी गांव के बीच सुरमई मांझा ये नहीं रह रहे। अंकल जी लड़के की खास बात ये है कि रात में जो लोग लिफ्ट मांगते हैं ना, उन सबको घर छोड़ के आता ही है सबको। बेटा हमारी बेटी को खुश तो रखोगे ना? हाँ हाँ अंकल जी, बहुत खुश रहेगा, मैंने खुद देखा है इतना बड़ा है। तुझे दिखा के ना मेरे गलती कर ली किस पे है तो मारो तेरे को, इधर मारो हैं। अंकल जी इसके कहने का मतलब ये था कि दूल्हे का दिल बहुत बड़ा है, आपकी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करेगा ये। अंकल जी एक बात पूछो, बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग दहेज में क्या क्या देंगे? बेटा हम तो दहेज में अपनी बेटी सरसों का तेल और चटाई देंगे। ब्रोकर साहब कुछ तो दिलवा, मुझे लड़की दिलवा रहा हूँ यही बहुत है। मेरे तो ऐसी नहीं मान में रिश्ते रिजेक्ट हो गए, लड़की दे रहे हैं तो ये वही बहुत है ना। ब्रोकर साहब से ये पूछो दुल्हन किधर है। दुल्हन? हाँ मैं भी बात करता हूँ। अंकल जी देखिए मैं चाहता हूँ कि आपकी जो लड़की है वो यहाँ के बैठे और हमारा जो लड़का है वो भी एक दफा देख ले, और लड़की भी एक दफा देख लेगी हमारे लड़के को तो ये है कि दिल खुश हो जाएगा, आपस में बात कर लेंगे। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप लड़की को बुला लेंगे? नहीं नहीं ब्रोकर साहब, मुझे कोई एतराज नहीं है, बेटा बुलाओ जी। अब्बा अभी बुला के रहा है। आ गई मेरी परी, आओ बैठो। बहुत खूबसूरत है हमारी भाभी, नजर तो आ नहीं रही। वो पापा की परी है, ये बात का मादरचोद, इसको क्यों लाया है तू यहाँ पे? बहुत प्यारी लग रही है आज मेरी बहन की लोड़ी। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। We'll be right back.